अचानक से आ गई थी, तो हमें थोड़ा दौड़ लगा के आना पड़ा। और अब जब उतरेंगे तो बाहर से बस क्या एक फुटेज लेके डालते हैं। आज अली भाई साथ में और हम जा रहे हैं दूसरे। मेट्रो लिंक की जो सर्विस है वो थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि वो सारी गलियों में घूमती हुई सबके घरों के पास ज़्यादा ज़्यादा रूट कवर करती है, और जो मेट्रो है वो काफ़ी फास्ट सर्विस है। अंदर आने से पहले आपको एतराज़ चेक करवाना है, और वहाँ पे एक बॉडी टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, तो सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। मैं जब से ये बंद हुई थी कोविड से पहले, उसके बाद उससे पहले आया था, और सेकेंड टाइम जब खुली है उसके बाद अब पहली बार आ रहा हूँ। ट्रेन फ्रीक्वेंटली चल रही हैं, और दोहा मेट्रो वैसे काफ़ी फास्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम में ट्रेन मिल जाती हैं, ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता है, और बहुत फास्ट सर्विस भी है। तो एक बहुत सख्त ज़रूरत थी अवेलेबल बैक साइड। तो किधर चलना है अपनों को? बंद हो गई अपने वाली, उधर चलना है। चलिए तो फुल सेल, इससे पहले कि हमारी बंद हो जाए गाड़ी, जल्दी आए। मैं रह गया हूँ और अली भाई ट्रेन में बैठ गए हैं, अब मुशरिफ में उन्होंने कहा है वो मुशरिफ में उतरेंगे, तो मैं अली भाई से मुशरिफ में मिलता हूँ। मेरी ट्रेन फिर आ गई है, इस बार आई डोंट वांट टू मिस माय ट्रेन, सो मैं ट्रेन में बैठता हूँ। ट्रेन मिल गई है और ऑलमोस्ट ट्रेन ही बहुत ज़्यादा खाली है, और बहुत ज़्यादा गैप्स दे दे के इन्होंने बना रखा है कि आप बहुत ज़्यादा गैप्स के अंदर बैठें, पास पास ना बैठें। और मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि ट्रेन की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ है, लेकिन देख सकते हैं आप काफ़ी खाली है ट्रेन। ट्रेन में काफी सारे लोग आ गए हैं। अली भाई मिल गए हैं वापस से, अली भाई रह गए थे, मैं रह गया था, अली भाई नहीं रह गए थे, और अब हम लोग वापस आ गए हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल सेल में उतरेंगे। लुसेल में हमें बस दूर तक जाने के लिए मिलती या नहीं मिलती ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो मैं और अली भाई हम दोनों लकतीफ से उतर गए हैं यहाँ से, पर्ल जाएंगे। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम चेंज हो गया थोड़ा बहुत, पर्ल घूमते हैं, पर्ल देखते हैं। सीधे बाहर निकलते ही ऊपर ये एलिवेटर्स ले लेने हैं, और उसके बाद ट्रेन बस नंबर 110 जो है वो पल जाएगी। काफ़ी अंदर है ये, बहुत अच्छा है। देखिए एक तो हम चढ़ चुके हैं, और दूसरा इस तरफ आते आते स्टेशन बहुत नीचे हो जाता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि नीचे हो जाता है, वाकई बहुत नीचे हो जाता है स्टेशन। तीसरा एलिवेटर है जो हम ले रहे हैं ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए, मतलब वाकई सच में बहुत नीचे है। अली भाई काफ़ी नीचे है, बहुत है ना। तीन अपनों ने एलिवेटर्स दिए, वो भी लंबे लंबे बहुत ज़्यादा, तब कहीं जाके एक ग्राउंड फ्लोर आया है। थर्ड फ्लोर पे आपको ग्राउंड फ्लोर, हाँ थर्ड क्या, मेरा ख्याल है ये और ज़्यादा डीप है। स्टेशन के अंदर का व्यू जब देता वाला चले बाहर जाते हैं, सामने 110 है, 110 सामने है जो हमें पल तक ले जाएगी। 110 तो हमने 110 को छोड़ दिया है,
फोर्ट अरेबिया टावर 7 पे, और यहाँ से इधर से अंदर फोर्ट अरेबिया में जा सकते हैं, जहाँ यॉट्स हैं बहुत, और बहुत ही अच्छा इलाका है। इधर रोल्स रॉयस है, और इधर फरारी। आपने सुना होगा कि कतर जो है वो बहुत ही रिच कंट्री है, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है, तो ये बात सच है। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आपको ज़रूर ये यकीन हो जाएगा कि कतर वाकई में दुनिया की सबसे रिच कंट्रीज में से एक है, या अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा GDP कतर जो है वो दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। तो आपको ये देख के ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। जो पूरा सर्कल है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये फोर्ट अरेबिया ये जो दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स पीछे, ये सारी बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल हैं, और इसके नीचे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और क्लॉथ शोरूम्स हैं, ब्रांड्स हैं बड़े बड़े। फोर्ट अरेबिया या तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, या फिर नीचे जो हैं पूरे मार्केट्स हैं, और या फिर इधर फोर्ट अरेबिया में सारी यॉट्स हैं। पूरा फोर्ट अरेबिया का एरिया जो है वो बस यही तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैंने आपसे कहा था कि कतर एक बहुत रिच कंट्री है, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। मैं अभी तक जितनी भी जगह आपको दिखा रहा हूँ, घूम रहे हैं, आप एक तरफ यॉट्स देख रहे होंगे कंटिन्यू, और आगे भी हम जितनी दूर तक जाएंगे कंटिन्यूली यॉट्स आपको दिखती रहेंगी। सो ये यॉट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही महंगी होती है। तो और यहाँ इतनी है कि आप इनको गिन नहीं सकते, तो ये चीज़ बताती है कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, और यहाँ इस कदर तादाद में रखी हुई है जिसे हम गिन नहीं सकते। मतलब मैंने आपसे कहा था कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कतर एक बहुत ही रिच कंट्री है। ब्रिज बनाया हुआ है, और इसलिए बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये जो है ये बीच में एक वे दिया हुआ है वाटर टैक्सी के लिए, तो इसलिए बीच में इसको क्रॉस के लिए ब्रिज बनाया है। अली भाई सेल्फी लेते हुए, अली भाई यहाँ आते ही जो है वो, अली भाई ने घर पे फ़ोन लगा दिया था, और घर पे दिखा रहे थे कि देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। ब्रिज से नीचे चलते हैं और आगे का फोर्ट अरेबिया देखते हैं। अंदर ये मार्केट है, और इस टाइम मार्केट पूरा खाली है, सुना सुना लग रहा है, लोग बाहर हैं लेकिन अंदर बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे मार्केट्स को भी काफी अच्छे तरीके से सजा रखा है। कैसी लग रही है इस जगह? बहुत ज़बरदस्त,
अंदर से भी बहुत अच्छी है ना, सजाया बहुत अच्छा है। अभी शायद शॉप्स कोविड की वजह से थोड़ी बंद है, बंद लग रहा है थोड़ा सा। या आज वैसे फ्राइडे है तो बहुत अच्छा बनाया हुआ। हम चलते चलते अंदर से बाहर वापस इसलिए आए हैं ताकि आपको एक बार फिर ये बाहर का इलाका दिखा दें कि यहाँ पे यॉट्स कितनी ज़्यादा हैं। क्यों नहीं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इतनी ज़्यादा यॉट्स हैं कि आप गिन नहीं सकते। थोड़ी एक एक यॉट्स बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत एक्सपेंसिव। मोस्टली मैंने देखा है कि प्राइवेट, ये प्राइवेट हैं, ये होटल्स की भी हो सकती हैं लेकिन प्राइवेट भी पेंट हैं। ऐसी ऐसी ज़बरदस्त बनी हुई है, मतलब हर किस्म की फैसिलिटी इसमें, सारी फैसिलिटीज है कम्प्लीट, पूरा घर समझ लें। इसमें कई बार ये लोग एक एक वीक के लिए, दो दो वीक के लिए पानी में ऐसे आउटिंग के लिए चले जाते हैं। और ये चीज़ बताती है कि कतर कितनी रिच कंट्री है, ज़बरदस्त रिच कंट्री है कतर। ये पीछे का जो सीन है कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं, वो देख के आपको अंदाज़ा हुआ होगा। हम एक बार फिर ब्रिज पे हैं, ये दूसरा टैक्सी वे है, वाटर टैक्सी वे। पीछे ये होटल, होटल कंपनीज भी है। सो आई होप यू हैव सीन, दिस इज वन मोर पार्ट ऑफ वर्ल्ड कतर। और आप इसका चारों तरफ से डेकोरेशन देख सकते हैं, कितना खूबसूरती से सजाया हुआ है इसको। तो अब हम पोर्टो अरेबिया के सर्कल को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इधर एक मार्केट है, मेरा ख्याल है उसका नाम अल मदीना सेंटर है, और उधर एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो बहुत अच्छा मार्केट है। तो वहाँ जाते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ घूमते हैं। अलहम्ब्रा, इसका नाम प्लाजा अलहम्ब्रा है ना, अलहम्ब्रा। तो मैंने पिछली बार गलत नाम बताया था, ये अलमदीना एक सेंटर है सिर्फ, यहाँ पे एक बाजार है। इसमें पूरे मार्केट का नाम प्लाजा अलहम्ब्रा है।